रीवा जिले के त्योथर एवं सिरमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। ढोल नगाड़े और अपने कार्यकर्ताओं के साथ विशाल जुलूस लेकर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपनी जीत का भरोसा जताया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के त्योथर विधानसभा सीट से काफ़ी उठापटक के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह को ही अपना प्रत्याशी बनाया। वो अपने कार्यकर्ताओं और ढोल नगाड़ों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव लड़ने की बात कही है। गौरतलब है कि इस समय त्योथर सीट भी जिले की एक हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी अब भाजपा में शामिल होकर उन्हीं के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ सिरमौर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रामगरीब बनवासी भी चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है त्योथर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फिर से, और मुद्दे तो बहुत हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग मैदान में हैं, डटे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास किया है मुझ पर, उस विश्वास पर हम अपनी टीम के साथ खड़े उतरेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। सिद्धार्थ तिवारी जी को जनता ही जवाब देगी, और वहाँ लड़ाई भाजपा से हमारी नहीं है, वहाँ लड़ाई हमारी विचारधारा की है, नीत और नियत की है। उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को, जो भी राजनीतिक दल हैं कांग्रेस, उनको परास्त करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो जब से भाजपा आई है इस देश के अंदर, केंद्र में और राज्य में सरकार में आई है, तब से ये दौर कुछ ज़्यादा शुरू हो गया है इस तरीके से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय में सब चीज़ें सही हो जाएंगी, और लोग जो ये दुस्साहस करते हैं, ये ऐसा क्रम इसमें विराम लगेगा, ये मेरा ऐसा मानना है। देखिए, रीवा रियासत के विरोध में मेरे को नहीं लड़ाया गया, मेरे को तो बिंड में बीजेपी के विचारधारा के विरोध में उसको खत्म करने के लड़ाया गया है। और जब पार्टी के द्वारा सर्वे किया जा रहा था कौन जिताऊ कैंडिडेट है, तो बहुत से सारे जिताऊ कैंडिडेटों का हर दल से लोग आए, नाम आया, लेकिन बिंद में मेरा नाम ये कैसे आया कि राम गरीब बनवासी को अगर कांग्रेस के सिरमौर विधानसभा से टिकट दे दिया जाए तो सारे बिंद की सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। इसलिए मेरा जो सर्वे हुआ है तो मेरा सर्वे इसलिए नहीं हुआ, आप लोगों जैसे जनता की आवाज के कारण, जनता की आवाज के सर्वे के आधार पर मुझे सिरमौर विधानसभा से, तो मैं जिस दिन टिकट जीती मिली थी उसी दिन कमलनाथ ने कहा कि क्या आप जीतेंगे, हमने कहा मैं तो जिस दिन टिकट फाइनल हो गई उसी दिन जीत गया, और रह गया बिंद जिताना, तो मैं सारे बिंद के कांग्रेस की सीटों को जिताऊंगा और इस प्रकार से सीट की बढ़त बनाऊंगा कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी,